हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जीडी की नोटिफिकेशन है, और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो पे कुछ दिन पहले आप सभी को बताया था कि जीडी की नोटिफिकेशन आने वाली है, और उसमें पूरी वैकेंसी की डिटेल्स आपको दी हुई रहेगी। वैकेंसी डिटेल्स आपकी उसी तरह उसी के अकॉर्डिंग इस पे आ गई है, और 2024 में ये वैकेंसी आपकी दोस्तों फिल की जाएगी पूरी तरह से। तो उसकी पूरी जो डिटेल आई है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ कि इस वीडियो में क्या डिटेल है और इससे रिलेटेड और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो सारा कुछ मैं अभी आप सभी को बताऊँगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं आप लोग सभी को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने वीडियो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। देखिए, ये एक्चुअली आपकी 20 सितंबर को ही आई थी, बट मैंने देर से इसीलिए वीडियो बनाया दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली मेरी जॉइनिंग की प्रोसेस हो रही थी, तो इसीलिए देर हो गई। बट मैं पूरी डिटेल्स लेकर अभी आया हूँ आप सभी के लिए। तो देखिए, एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है। सब्जेक्ट देखिए, एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये एक RTI अप्लाई किया गया था दोस्तों एक कैंडिडेट के द्वारा। उस RTI का रिप्लाई के अकॉर्डिंग ये डिटेल्स प्रोवाइड किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि द इंफॉर्मेशन एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड्स इज एज अंडर पॉलिसी सेक्शन इज डील्स विद 3 डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ CAPF एंड असम राइफल। तो ये सिर्फ असम राइफल एंड CAPF के बारे में बताया गया है, बट डिटेल्स आपको सभी वैकेंसी की दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज इन CAPF एस ऑन 1 जनवरी 2023 RS अंडर। देखिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है, टोटल 84,866। CRPF की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, BSF में 19,987, ITBF में भी लगभग 4,000, SSB 8,000। ये मतलब डिटेल आपकी दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है दोस्तों SSC GD में। सेकंड नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं द नोटिफिकेशन फॉर कॉन्स्टेबल GD एग्जामिनेशन 2024 विद डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज कंटेन देयर इन इज लाइकली टू बी इशूड बाई SSC इन द मंथ ऑफ November-December 2023। मतलब दोस्तों, ये आपकी November-December में SSC GD की वैकेंसी आ जाएगी, और ये जो फिल होगी आपकी 2024 में लगभग 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो जाती है। 3 नंबर पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, इन केस यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिप्लाई द फर्स्ट अपील इन द केस लाइज विद एडिशनल सिक्योरिटी। मतलब ये जो लास्ट पॉइंट आपका दिया गया था दोस्तों 3 नंबर, ये जिस RTI का रिप्लाई दिया गया था उनको अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकते हैं, बट इसमें कोई अनसेटिस्फैक्शन का तो कोई है नहीं इस पे मैटर। तो ये सारा डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों, और प्रिपेयर हो जाइएगा। अपने सभी दोस्तों को और छोटे भाइयों और बहनों को ये बोल दीजिएगा कि वैकेंसी आपकी November-December में आ जाएगी GD की, और 6 महीने के अंदर इसकी पूरी प्रोसेस दोस्तों एटलीस्ट कम्प्लीट हो जाती है। तो चलिए, यहीं पर मैं एंड करता हूँ अपने इस वीडियो का, और बाकी अगला जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा मैं आप सभी को शेयर करूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।